So I have spent almost a week in this beautiful place with my friends and explored a lots of unknown places, which I will be showing you in this travel series. Basically, this place is called the Switzerland of Northeast India. So come and join me on this beautiful journey. मुझे ट्रैवल करना बहुत पसंद है और मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल भी करता हूँ। आज मैं जिस जगह से मेरा ब्लॉगिंग चैनल अनसीन ग्लोब का सफ़र शुरू करने जा रहा हूँ वो है डिमा हसाओ, और मुझे ये जगह पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। आई लाइक द वाइब ऑफ दिस प्लेस अ लॉट। गुवाहाटी से अप्रॉक्सीमेटली 285 किलोमीटर्स दूरी पर लोकेटेड डिमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट के ये जगह की खूबसूरती को देखकर आप हैरान रह जाओगे। यहाँ घूमने का मज़ा ही कुछ खास है। ए टाउन ऑफ डिमा हसाओ विच इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर माहूर एंड 53 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द हाफलॉन्ग। सो स्टे ट्यून्ड, आई विल टेक यू टू द ब्यूटिफुल टाउन ऑफ डिमा हसाओ। दिस इज माई बंग। माईबंग से हाफलॉन्ग जाते वक्त आपको एक खूबसूरत सा टनल मिलेगा, जिसकी वजह से ये जगह टूरिस्ट का मेन अट्रैक्शन बन पड़ा। इस टनल की लंबाई ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर है। उसके बाद ही आपको मिलेगा एक खूबसूरत सा प्लेस जो है माहूर। गाइज, ये रहा मेरा डिमा हसाओ ट्रिप का पहला एपिसोड। इन द वेरी नेक्स्ट एपिसोड ऑफ डिमा हसाओ सीरीज आई विल एक्सप्लोर द लैंडस्केप ब्यूटी ऑफ डिमा हसाओ एंड ऑल्सो टू फेमस प्लेस ऑफ आसाम विच आर जतिंगा वैली एंड हाफलॉन्ग। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू।